चले तो सर, आज का पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास? तो पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट इजी क्वेश्चन, फाइन एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हूज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ इट्स ब्रेड एंड पेरीमीटर एंड पेरीमीटर इज 24। ब्रेड अगर आप एक्स मान लो तो ऑटोमेटिकली लेंथ कितनी हो जाए 2x, और पेरीमीटर होता है 2 इंटू एल प्लस बी दैट इज इक्वल टू व्हाट 24। तो ये हो गया 1 जा, ये हो जाएगा 12 जा। तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 12, शायद 3x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू कितना 4। अब अगर सर हम आपसे ही बात करें इसी में कि एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 4 × 8 दैट इज इक्वल टू कितना 32। अच्छा क्वेश्चन था, मैंने बोला हाँ यार अच्छा क्वेश्चन तो था। अब अगर मैं आपसे बात करूं फाइंड फाइंड साइड्स ऑफ रोम्बस हूज डायगोनल्स आर 12 एंड 15 रेस्पेक्टिवली एंड लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड टू वन ऑफ दी साइड्स इज 10। एरिया ऑफ रोम्बस का लॉजिक कल आपको पता करना था कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रोम्बस एक तरफ होता है हाफ डी वन इंटू डी टू और दूसरी तरफ होता है बेस मतलब साइड इंटू ऑल्टीट्यूड या हाइट बोल दो उसको, ठीक है ना। तो सर इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन एक झटके में खत्म इसलिए था कि हाफ इंटू 12 इंटू 15 इज इक्वल टू बेस कितना 10 इंटू व्हाट ऑल्टीट्यूड, सॉरी 10 है ऑल्टीट्यूड है इंटू व्हाट बेस, बेस का मतलब क्या हो गया साइड, तो ये 1 जा, ये शायद 6 जा, 6 × 15 आए सपोज 90 इज इक्वल टू 10 इंटू व्हाट बेस। तो सर ये 0 से 0 गेट कैंसिल, तो बेस इज इक्वल टू कितना 9, बेस इज इक्वल टू आपके पास 9। अगर सर क्वेश्चन पूछूं तो फाइंड पेरीमीटर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्राइंगल हूज एरिया इज 24√3। ऑल्सो फाइंड ऑल्टीट्यूड। चलेंगे दोस्तों, मेरे को लगता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है √3/4a² तो सर इज इक्वल टू कितना 24√3, तो √3 से √3 तो गेट कैंसिल। अब a स्क्वायर इज इक्वल टू 24 × 4, क्या बोलूं a स्क्वायर इज इक्वल टू अगर आपको 96 लेना 96 ले लो, 96 का रूट कितना होगा सर देखो √100, तो हाँ 4√6 भी ले सकते हो, √100 कितना होता है 10, तो रूट 96 कहीं ना कहीं 9.8 के आसपास हो सकता है अप्रोक्स 9.8 या 9.7 व्हाटएवर। तो सर अगर आप ऐसे निकालना चाहो तो ऐसा ही बोल सकते हो कि a इज इक्वल टू 4√6 या 9.7 या 8 के आसपास 9.75 भी अप्रोक्स ले सकते। सर अब पेरीमीटर कितना होगा, सर 3 साइड्स हैं तो पेरीमीटर कितना होगा 3a, मतलब 3 × 9.75, ठीक है
सो इट इज समवेयर अराउंड, अगर हम बात करूं तो 29.25 इज द पेरीमीटर। सर ठीक है, क्वेश्चन तो खैर अच्छा था, मैंने बोला हाँ क्वेश्चन तो अच्छा ही था। अगर अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, फाइंड द रूट भी ले सकते हो ना। ओ ऑल्टीट्यूड भी निकालना है, तो अगर आपको ऑल्टीट्यूड निकालना है तो मेरे ख्याल से अपन एरिया ऑफ ट्राइंगल में लिख सकते हैं क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल या एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है कितना आपके पास सर, 29.25 सॉरी अगेंस्ट 24 √3, 24 √3, और कहीं ना कहीं हाफ साइड कितनी आ गई, बेस का मतलब क्या होता है साइड ट्राइंगल। ट्वेंटी आप चाहो तो साइड को, जैसे आपने साइड निकाली थी अभी, उसको आप चाहो तो 4 √6 भी लिख सकते हो, और चाहो तो 9.7 पे भी लिख सकते हो। तो अगर 4 √6 लिखते हो तो 4 √6 इंटू कितना हाइट, सर देखो ना यहाँ से ये √3 है और ये क्या कट जाएगा, √2, ठीक है, ये 1 जा और ये कितना 2 जा, और ये 1 जा और ये कितना 12 जा। सर हाइट जो है ना, हाइट वो आ जाएगी 12 बाय √2, हाइट कितनी आ जाएगी 12 बाय √2, हाँ 6 √2 आप कुछ बोल सकते हो। चलेंगे दोस्तों, क्वेश्चन तो काफी अच्छा था। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सब्सटेंस सब्सटेंस 80 डिग्री एट सेंटर, फाइंड इट्स एंगल इन माइनर आर्क। कि सर ये समझो एक आर्क कॉर्ड है, कोई सी भी कॉर्ड है, मान लो ये ए बी एक कॉर्ड है, ये सेंटर पे एंगल बना रही है 80। तो सर ये जो याला पार्ट है, ये तो कौन सी पार्ट होती है, मेजर आर्क। तो सर मेजर आर्क में ये एंगल कितना बनाएगी, 40। अपन ने कल पढ़ा था कि सेंटर का आधा उस तरफ बनाती है, ऐसा हम पढ़ चुके थे कि सेंटर का आधा कितना बनाती है, उस तरफ बनाती है। तो सर एंगल सब्सटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, यहाँ पे डबल होता है तो यहाँ पे क्या होता है आधा। अब अगर ये 40 है तो ये तो कौन सी आर्क है, मेजर आर्क, माइनर आर्क कहाँ पे आएगी, सर ये आएगी माइनर आर्क। और सर अगर अपन माइनर आर्क की बात करें तो ये जो एंगल है, इन दोनों एंगल मिला के क्या होना चाहिए 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, तो साइक्लिक क्वाड के हिसाब से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 40, ये दोनों एंगल मिला के बनते हैं 180। तो ये एंगल आ जाएगा आपके पास कितना, 40 डिग्री, कितना आ जाएगा आपके पास 40 डिग्री, 140 डिग्री, 140 डिग्री इज द आंसर। सर ठीक है, मतलब अच्छा ही था, मैंने बोला हाँ, मतलब मुझे अच्छा लगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बन रहा है, आप देखिएगा। इफ द डिस्टेंस, इफ द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल इज 13 एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 5, फाइंड द फाइंड द फाइंड द सर फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट
एंड एरिया ऑफ सेक्टर कवर्ड इफ सेंट्रल एंगल इज 60 degrees. ये सर्कल रहा, अगर अपन बात करें तो ये आपके पास सर्कल रहा. ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट बन रहा है सर. ये आपका सेंटर है और सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंट तक आपका डिस्टेंस कितना है? 13. कितना डिस्टेंस है? 13. सर्कल का रेडियस कितना है? 5. सर्कल हमने पढ़ा था कि टेंजेंट टू रेडियस हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर. तो अगर मैं इसको पी ए को एक्स मान लू तो कहना है से एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर. इससे आपका ऑटोमेटिकली एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 144. और एक्स इज इक्वल टू कितना जगह? 12. अभी सर उसके बाद आप ये भी बता रहे हो कि यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है वो पूरा कितना बन रहा है? 60 degrees. तो सर इस सेक्टर का एरिया कितना होगा? अगर अपन बात करें तो ये वाला सेक्टर, सर आपने सेक्टर का फॉर्मूला दिखा था थीटा अपॉन में 360 इंटू व्हाट? पाई आर स्क्वायर. तो सर कहीं ना कहीं वो 60 अपॉन में 360 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू आर स्क्वायर मतलब 5 और इंटू 5 ये 1 ये 6. तो सर ठीक है ना, मतलब इसको निकाल सकते हैं. मैंने बोला हाँ निकाल सकते हैं. अभी कुछ और अतरंगी क्वेश्चन देता हूँ, समझने की कोशिश करोगे तो बड़ा मजा आएगा सर. ठीक है, अगर अपन बात करें अच्छे से. सर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हैं, अगर आप लोग अलाउ करें तो फाइंड, पहला क्वेश्चन एरिया ऑफ सेगमेंट इफ इफ एंगल एट सेंटर, एंगल एट सेंटर इज 90 degrees एंड रेडियस इज 8. Second, find area of segment if angle at center is 60 degrees and radius is 7. Find area of segment if एंगल एट सेंटर इज 120 degrees एंड रेडियस इज 10. फाइंड एरिया ऑफ सेगमेंट इफ एंगल एट सेंटर इज 45 degrees and radius is 12. चलो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन का देखो, आपके पास सर्कल है और जहां तक मैं समझता हूं सेगमेंट का अर्थात ही क्या होता है. तो सर अगर हम आपसे बात करें तो कहीं ना कहीं ये एरिया सेगमेंट होता है. यहाँ पे एंगल कितना है? 90. और कहीं ना कहीं तुमको रेडियस कितना गिवन है? 8. तो ये भी 8 है और ये भी 8. तो सेगमेंट का फॉर्मूला होता है, अगर मैं आपसे बात करूं तो सेक्टर, पूरे सेक्टर में से क्या हट जाए? ट्राइंगल. तो सर सेक्टर का एरिया कितना होगा? 90 अपॉन में कितना? 360 इंटू पाई मतलब 22/7.
इंटू आर स्क्वायर, एट इंटू एट। सर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस। अब अगर यहाँ पे ही 90 है तो क्या ये बेस और ये क्या हो जाएगी? हाइट, क्योंकि एंगल कितना बन रहा है 90, तो हाफ एट इंटू कितना 8। तो सी के सर क्या ये 90 बन रहा है? तो किसी भी ट्राइंगल में अगर ये 90 कहीं भी ऐसा बन रहा है, अगर यहाँ पे 90 होता तो ये बेस हो गया और ये क्या हो हाइट। तो चाहो तो 8 इंटू 8 कॉमन ले लो, वैसे चाहो तो ये 1 जा, ये 4 जा, ये 2 जा, ये 11 जा। तो 64 बाय 2 अगर कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में सिर्फ आएगा 11 बाय 7 माइनस 1। चेक कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आएगा। सर लेकिन थोड़ा और हेल्प करो हमको, तुम्हारा चल ठीक है सेकेंड क्वेश्चन की करते हैं। अगर मैं तेको बात करूं कि देख अगर ये पूरा सर्कल है तो मुझे बता एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलता है। सर देखो ना, एरिया ऑफ सेगमेंट का मतलब ही क्या होता है? सेक्टर माइनस व्हाट? ट्राइंगल। यहाँ पे एंगल कितना है? 60 डिग्री और रेडियस कितना है? 7। तो सर कहीं ना कहीं ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल भी इक्वली होंगे। कैसे प्लस ट्राइंगल है भाई, ये ट्राइंगल ये 7 और 7 इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वली होंगे, तो ये भी 60 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा? 60। सर एरिया ऑफ सेक्टर कितना होगा? तो सेक्टर होगा 60/360 इंटू पाए इंटू आर स्क्वायर, 7 इंटू 7 माइनस। अब यहाँ पे ये ट्राइंगल कहीं ना कहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल का रूप लेते हुए अपने आप को प्रूफ कर रहा है कि मैं तो इक्विलेटरल, तो बिल्कुल सही। रूट 3/4 ए स्क्वायर, 60 इंटू कितना? 60, 3/4 ए स्क्वायर। सर ठीक है, मतलब ओ 60 इंटू 60 नहीं, 7 इंटू 7, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है रूट 3/4 ए स्क्वायर। रूट 3/4 कितना? ए स्क्वायर। ठीक है क्या सर? ठीक है, मतलब अगर अपन अच्छे से बात करें तो आप गेम को चलाओगे कैसे? मैंने बोला देखो ना दोस्तों, दिस इज 1 जा, दिस इज 6 जा, 3 जा, 11 जा। सर चाहूं तो 7 कॉमन ले लो, मैंने 49 कॉमन ले ले, ब्रैकेट में कितना आ जाएगा? 11 अपॉन में 21 माइनस रूट 3/4। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, मैं जान मुझके इसको सॉल्व करना इसलिए सिखा रहा हूँ कि मेरा काम है आपको सर्कल के लॉजिक को समझना, इसके बाद तो आप एलसीएम लो और सॉल्व करो। अभी सर जो थर्ड क्वेश्चन है ना उसके बारे में देखें तो सर वापस से क्या है आपके पास? अगर अपन थर्ड क्वेश्चन के बारे में तो थीटा कितना है? 120 और रेडियस कितना है? 10। तो सर अब इसमें क्या है थोड़ा समझना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ समझते हैं अपन कि क्वेश्चन ये रहा कि सर यहाँ पे आपके पास जो थीटा है वो कितना हो गया? 120 और रेडियस कितना है? 10। सर देखो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर गिराओगे तो खुद को पता ये साइड x हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी x, और ये 120 आधा आधा होना है क्योंकि ट्राइंगल ऐसे ऐसे और आप परपेंडिकुलर गिरा रहे हो। कल अपन ये भी पढ़ चुके हैं परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो सर अब यहाँ पे क्या करे? मैंने बोला देख यहाँ पे जाना पड़ेगा ट्रिग्नोमेट्री। साइन 60 कितना होता है? सर साइन का मतलब होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 3/2, जिसमें से तेरा ये तो परपेंडिकुलर, ये भी नहीं, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि आपका जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है? एंगल आपके यहाँ बन रहा है, तो आपका ये साइड परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये साइड क्या हो जाएगी? बेस। एक साइड आपकी क्या होगी? परपेंडिकुलर, और दूसरी साइड क्या हो जाएगी आपके पास? बेस। ठीक है ना? तो अगर अपन बात करें ये आपके पास परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस, और थीटा के सामने अगर अपन बात करें तो परपेंडिकुलर। ठीक है, तो सर हमको नहीं पता बट x हाइपोटेनस क्या है? जैसे इस क्वेश्चन का हाइपोटेनस है 10, 1 सा 5 सा, x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5√3। इसका मतलब सर इतना हिस्सा तो 5√3 आ गया, मतलब टोटल कितना हो जाएगा? तो टोटल जो बेस होगा वो कितना हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई का तो 10। सर अभी क्या करें? ना देख डर मत, तू लगा इसी क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में cos 60 क्या लगा? क्योंकि cos 60 होता है बेस अपॉन में कितना हाइपोटेनस, होता कितना है 1/2। सर इसका बेस मतलब ये हाइट,
ए डी, तो ए डी अपॉन में कितना, कहीं ना कहीं ऐसे में अगर अपन बात करें ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5। तो सर बेस पूरा इस ट्राइंगल का कितना हो गया 10 रूट 3 बेस। व्हाट इज द हाइट, हाइट इज 5। तो सर आप तो चलो सेक्टर के एरिया पे, मैंने बोला हाँ सेक्टर का एरिया बोलते क्या है, तो सर अगर आप सेक्टर का एरिया निकलवाना चाहते हो तो सर एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा, थीटा कितना है 120, तो 120 अपॉन में कितना 360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो हाफ बेस कितना है इसका, बेस 10 रूट, और हाइट कितनी है इसका? तो सर देख लो ये वन जा ले लो, इसको थ्री जा ले लो, तो 1/3 इसको 3.14 ले लो इंटू कितना 100 और इसको 5 इंटू 5 इज व्हाट 25 रूट 3। अगर मैं बात करूं कि इसको आप ले सकते हो 314 पूरा पॉइंट हट गया 100 से अपॉन में 3 माइनस 25 रूट 3, तब जाके ये जो नीचे का शेडेड बीजन बता रहा हूँ ना ये तुम्हारी क्या आ जाएगी सेगमेंट, ये तुम्हारी क्या आ जाएगी सर। लेकिन थोड़ा सा और भी क्लैरिफाई करो, चलो मैं और क्लैरिफाई करता हूँ इस क्वेश्चन को, लेकिन उसके लिए मैं जानबूझ के अगला क्वेश्चन बताओ, अगले वाले क्वेश्चन में एंगल कितना है। तो सर सेंटर पे आपके पास एंगल पड़ा है 45, यहाँ का एंगल कितना पड़ा हुआ 40। ओहो अभी सेंटर पे 45 पड़ा है तो शायद तुमको 22.5 क्यों लानी चाहिए, तो ये 22.5 वाला पार्ट छोड़ दो क्योंकि तुमको 22.5 के लिए मेरे को और अंदर की ट्रिग्नोमेट्री में ले जाना पड़ेगा, वो अभी तुम जाने से रहे ठीक है ना, चाहो तो क्या ठीक है ये वाले पार्ट को, लास्ट वाले पार्ट को आप छोड़ सकते हो। वैसे किसी को समझना हो तो वो कहीं ना कहीं साइन 22.5 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि सेंटर पे एंगल कितना 45, तो आधा एंगल कितना होगा 22.5 ठीक है ना। अगर आपको रेडियस कितना गिवन है इस क्वेश्चन में, शायद 12 ठीक है ना, इसको आप मान लोगे x, इसको कितना मान लोगे x, गॉट इट। तो सर अब आपको यहाँ पे थीटा 22.5, तो आप क्या करोगे उसको इज इक्वल टू कितना b अपॉन में कितना h, साइन 22.5 इज समवेयर अराउंड, अगर मेरे को आपको समझाना भी हो तो वो होता है 1 - √2/√2 ऐसा कुछ, तो कहीं ना कहीं वो x अपॉन में कितना हो जाएगा 12 ठीक है। तो इस वाले पार्ट को इसलिए मैं अभी छोड़ रहा हूँ कि साइन 45 है, बाकी तो पहले क्वेश्चन करो यार, अपन आगे बात करते हैं।